कोरोना पर पीएम मोदी ने की मन की बात, कहा लॉकडाउन आपको बचाने के लिए। पीएम मोदी ने कहा कोरोना से लड़ाई जिंदगी और मौत की लड़ाई की तरह है। पीएम मोदी ने कहा कोरोना संदिग्धों और पीड़ितों से भेदभाव ना करें लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब इमोशनल डिस्टेंसिंग नहीं है। पीएम मोदी ने लॉकडाउन जैसे कड़े फैसले के लिए गरीबों से भी माफी मांगी, कहा ऐसा फैसला लेना मजबूरी। देश में टोटल कोरोना पॉजिटिव केसेस बढ़कर 1024 हुए, पिछले 24 घंटे में 106 नए मामले सामने आए, अब तक 27 लोगों की मौत। कोरोना से जंग में सरकार का एक और बड़ा कदम, 10 हाई पावर ग्रुप बनाए गए, हालात की सेकंड सेकंड पर मॉनिटरिंग जारी। राज्य सरकारों को गृह मंत्रालय का निर्देश, लॉकडाउन में फंसे वर्कर्स को भी राहत पहुंचाई जाए। लॉकडाउन में जरूरी चीजों की सप्लाई को लेकर केंद्रीय मंत्रियों की बैठक, अमित शाह राजनाथ सिंह के साथ हालात पर चर्चा। देश में अभी तक 34,931 लोगों को कोरोना टेस्ट कराए गए हैं, 113 सेंटर पर जांच शुरू हुई, 47 नए लैब की टेस्ट की मंजूरी। राजधानी दिल्ली में अब तक कोरोना के कुल 42 मामले सामने आए हैं, यमन के एक नागरिक के इलाज के दौरान निजी अस्पताल में मौत हुई। देश भर के मकान मालिकों को गृह मंत्रालय का निर्देश, लॉकडाउन में ना मांगे किराया, मकान खाली करने के लिए कहने पर कड़ा एक्शन होगा। दिल्ली सरकार किराया नहीं दे पाने वाले लोगों के लिए किराया देगी, सीएम केजरीवाल ने कहा मकान मालिक किराया ना मांगे। केजरीवाल ने कहा अभी तक दिल्ली के आइसोलेशन सेंटर्स पर 4,00,000 लोगों के इंतजाम किए गए हैं, वर्कर्स अपने राज्यों में ना जाएं, जहां हैं वहीं पर रहें। केजरीवाल ने कहा पलायन सिर्फ दिल्ली से ही नहीं दूसरे राज्यों से भी हो रहा है, इसे तुरंत रोकना जरूरी है। केजरीवाल ने कहा जो लोग पलायन कर रहे हैं उनका रवैया खाई में कूदने के जैसा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली के मुख्य मार्गों पर पिकेट्स बढ़ाने का भी निर्देश दिया है, लोगों की मूवमेंट को जीरो करने को कहा गया। दिल्ली से बाहर डीटीसी बस के निकलने पर भी रोक, बस स्टॉप पर दिखने वाले लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचाने के निर्देश। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर अब हालात सामान्य हैं, आनंद विहार में भी भीड़ कम हुई। लॉकडाउन सख्ती से लागू करने के लिए राज्यों और जिलों के बॉर्डर को सील किया जाएगा, कानून तोड़ने पर 14 दिन का क्वारंटीन। केंद्र सरकार ने हाईवे पर लोगों की आवाजाही बंद कराने के निर्देश दिए हैं, डीएम एसपी को सख्ती बरतने को कहा। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव केसेस बढ़कर 203 हुए, बुलढाणा में 45 साल के मरीज ने दम तोड़ा, अभी तक 8 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में मुंबई ठाणे रीजन में सबसे ज्यादा 107 केसेस सामने आए, नागपुर में 13 मामले। महाराष्ट्र से सांगली के इस्लामपुर में एक ही परिवार के 24 लोगों में कोरोना पॉजिटिव, 1 किलोमीटर के दायरे में कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना से 35 लोग ठीक हुए, 17,000 से ज्यादा लोग होम क्वारंटीन में रखे गए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा बड़े शहरों से पलायन को तुरंत रोके प्रशासन, जो जिले इफेक्टेड नहीं है उसे हर हाल में बचाया जाए। महाराष्ट्र की अलग अलग जेलों से 601 कैदी फिलहाल रिहा किए गए, जेल में भीड़ कम करने के लिए उद्धव सरकार का फैसला। स्पाइस जेट के एक अधिकारी का कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में आए सभी क्रू मेंबर्स और स्टाफ को 14 दिन के लिए सेल्फ क्वारंटीन पर भेजा गया। हरियाणा में कोरोना पॉजिटिव केसेस बढ़कर 21 हुए, सबसे ज्यादा 10 मामले गुरुग्राम के। बिहार में कोरोना के 4 नए केसेस पॉजिटिव, कुल मामले बढ़कर 12 हुए, 5 केस पटना के। बिहार में आरपीएफ की टीम भी राहत में जुटी, आईआरसीटीसी के किचन में फूड पैकेट्स तैयार कर बांटे गए। कोलकाता में एक डॉक्टर में कोरोना पॉजिटिव, पश्चिम बंगाल में टोटल पॉजिटिव केसेस 19 हुए। गोवा में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए, नए मामलों में एक की विदेश ट्रैवल हिस्ट्री है, टोटल केसेस बढ़कर 5। केरल में कोरोना के अब तक 202 पॉजिटिव केसेस की पुष्टि, 20 नए मामले। केरल में ज्यादातर मेडिकल शॉप पर मास्क और सैनिटाइजर्स नहीं बेचे जाने का आरोप, कीमत तय किए जाने के बाद होलसेल सप्लाई रोके जाने की खबर। पंजाब में 2 दिन से कोरोना का नया मामला नहीं, सरकार ने राधा स्वामी सत्संग व्यास के आश्रम को क्वारंटीन सेंटर बनाया। पंजाब के कई शहरों में सैनिटाइजेशन ड्राइव जारी, चंडीगढ़ में मार्केट, सड़क पर हर तरफ वायरस मारने वाले केमिकल का छिड़काव। रेलवे ने देश में सप्लाई चेन जारी रखने के लिए पूरी ताकत झोंकी है, पिछले 5 दिन में 25,000 वेगन के मूवमेंट हुए। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की राज्यसभा सांसदों से अपील, पीएम केयर फंड में स्वेच्छा से दें 1 महीने का वेतन। रक्षा मंत्रालय के सभी कर्मचारी 1 दिन का वेतन पीएम केयर फंड में देंगे, इंडियन आर्मी 500 करोड़ की राशि मदद के तौर पर देगी। कोरोना से जंग में पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने 1 दिन की सैलरी दी, 116 करोड़ की मदद। 13,00,000 रेल कर्मचारियों ने 1 दिन का वेतन पीएम केयर फंड में दिया, पीयूष गोयल और सुरेश अंगड़ी ने 1 महीने का वेतन दिया। कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर उदय कोटक का ऐलान, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 50 करोड़। उद्योगपति गौतम अडानी ने पीएम केयर फंड में 100 करोड़ रुपए दिए, कोरोना की लड़ाई मिलकर लड़ने का संकल्प लिया। कोरोना से जंग के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अपील, मुख्यमंत्री राहत कोष में स्वेच्छा से मदद देने की अपील। लॉकडाउन से जूझ रही जनता की मदद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, हर वर्ग के लोगों तक मदद पहुंचाने की मांग। दूरसंचार कंपनियों के मालिकों को प्रियंका गांधी की चिट्ठी, लॉकडाउन में 1 महीने इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल फ्री करने की अपील की गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी सांसदों से अपील की कोरोना से निपटने के लिए सांसद फंड से 1 करोड़ रुपए अपने क्षेत्र में दें। लॉकडाउन के बीच इंडियन ऑयल ने उपभोक्ताओं को भरोसा दिया, कहा देश में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं होगी। सांस की बीमारी के 10% मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई, 110 में से 11 लोगों के केस पॉजिटिव निकले।
योगी ने अफसरों को आदेश दिया, पिछले तीन दिन के दौरान यूपी पहुंचे 1,00,000 लोगों को क्वारंटीन किया जाए। 1 मार्च के बाद यूपी में बाहर से आए लोगों का हेल्थ चेकअप होगा। शक होने पर सीएम योगी ने क्वारंटीन करने के आदेश दिए। आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा पर नोएडा में मुकदमा दर्ज किया गया, ट्वीट कर अफवाह फैलाने के आरोप। यूपी में अप्रैल माह के बिजली बिल के मीटर रीडिंग नहीं होगी, 3 महीने के औसत खपत के आधार पर तैयार किया जाएगा बिल। नोएडा में कर्मचारियों मजदूरियों से नहीं वसूला जाएगा 1 महीने का मकान किराया। डीएम का आदेश नहीं मानने पर जेल जाना होगा। नोएडा में कोरोना के 4 और नए मामले सामने आए हैं। पॉजिटिव केसेस बढ़कर 32 हुए। गाजियाबाद में भी कोरोना के 2 नए मामले। मोहननगर में पति पत्नी दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव। यूपी के कई शहरों में सैनिटाइजर और मास्क की ज्यादा कीमत वसूलने पर प्रशासन का एक्शन। नोएडा में कई फार्म्स पर FIR दर्ज। यूपी की 71 जेलों से 11,000 कैदियों की सशर्त रिहाई हुई। मेरठ में करीब 300 कैदियों की रिहाई लिस्ट तैयार। बिहार में दूसरे राज्यों से आए लोगों की स्क्रीनिंग होगी। आपदा राहत शिविर में 14 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। राजस्थान के भीलवाड़ा में कोरोना का एक और मामला सामने आया। 53 साल की महिला की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव। जिले में अब तक 25 पॉजिटिव केसेस। राजस्थान के कोरोना के टोटल मामले 55 हुए। भीलवाड़ा में निजी अस्पताल के 3 कर्मचारी चपेट में। एमपी के इंदौर में कोरोना संक्रमण के 5 नए मामले सामने आए। लगातार पॉजिटिव केसेस बढ़ने से हाई रिस्क पर इंदौर पहुंचा। एमपी में कोरोना पीड़ितों की संख्या 39 हुई। 2 की मौत। जनता कर्फ्यू के दौरान इंदौर में भीड़ जुटने पर DIG का तबादला। गुजरात में कोरोना के 5 नए केसेस। टोटल पॉजिटिव केसेस बढ़कर 63। अब तक 5 की मौत। तेलंगाना में गर्भवती महिला की मदद के लिए आए 3 हेल्थ और आंगनबाड़ी वर्कर्स। महिला को स्ट्रेचर पर लेटाकर 7 किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचाया। पंजाब में 10 मार्च के बाद आए NRI से राज्य सरकार की अपील, अपने बारे में तुरंत जानकारी देने को कहा। पंजाब में 30 और 31 मार्च को सभी बैंकों में कामकाज में ढील दी जाएगी। कर्फ्यू के बीच लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर सकेंगे। उत्तराखंड में लॉकडाउन तोड़ने पर कड़ा एक्शन। पिछले 24 घंटे में 155 लोगों की गिरफ्तारी। अभी तक 329 लोगों पर मुकदमा। उत्तराखंड में 31 मार्च को बस मूवमेंट की छूट पर रोक लगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निर्देश जारी किए। लॉकडाउन तोड़ने वाले जम्मू कश्मीर प्रशासन भी सख्त हुए। पिछले 5 दिन में 627 लोग गिरफ्तार हुए, 337 पर मुकदमा। कोरोना से देशभर के चर्च में सामूहिक प्रेयर बंद हुई। पुडुचेरी में चर्च ने संडे प्रेयर भी रोकी। कोरोना वायरस से यूरोप में अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत, आधी मौत अकेले इटली में। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में 6,80,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। यूरोप में आंकड़ा 3.5 लाख के करीब। इटली में कोरोना से मौत का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंचा। शनिवार को 889 लोगों ने दम तोड़ा। ब्रिटेन में भी कोरोना ने अब तक 1200 से ज्यादा लोगों की जान ली। पिछले 24 घंटे में 216 लोग शिकार बने। फ्रांस में कोरोना से और 319 मौत हुई। कुल आंकड़ा पहुंचा 2,300 के पार। फ्रांस के पीएम ने कहा, कोरोना के खिलाफ अभी जंग की शुरुआत। अमेरिका में कोरोना के 1,24,000 कन्फर्म केसेस। एक दिन में 506 लोगों की मौत। कोरोना के कहर के बाद न्यूयॉर्क में एरिया में क्वारंटीन लागू करने का इरादा छोड़ा गया। मेयर समेत कई नेताओं ने विरोध किया था। अमेरिकी नेवी का हॉस्पिटल शिप लॉस एंजलिस पहुंचा। राष्ट्रपति ट्रंप ने अगवानी की। अमेरिका के मायामी में लोगों ने कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाया। घर की बालकनी में खड़े होकर लाइट जलाई, कुछ ने सीटी भी बजाई। शाही राजघराने में कोरोना में हुई पहली मौत। स्पेन की राजकुमारी मारिया टेरेसा की कोरोना वायरस के संक्रमण से निधन हुआ। 86 साल की थी राजकुमारी। स्पेन के एक हॉस्पिटल में पहली बार ICU से जनरल वार्ड में शिफ्ट हुआ मरीज। मेडिकल स्टाफ ने ताली बजाकर खुशी का इजहार किया। बढ़ते कोरोना संकट से परेशान होकर जर्मनी के मंत्री थॉमस शेफर ने आत्महत्या की। वित्त राज्य मंत्री थे थॉमस। पाकिस्तान में कोरोना के 12,000 मरीज होने का शक। स्वास्थ्य सलाहकार ने जताया शक। सरकार ने केवल 1,500 केसेस की पुष्टि की है। मेडिकल वीजा पर भारत आए 5 पाकिस्तानियों की घर वापसी हुई। अटारी वाघा बॉर्डर से 5 वापस पाकिस्तान पहुंचे। कोरोना की मार झेल रहे अमेरिका में नई मुसीबत आई। ऑर्कनिसोर राज्य में 6 लोग घायल हुए बवंडर आने की वजह से। रूस में कोरोना मरीजों की तादाद 1,500 के पार। मॉस्को के मेयर की चेतावनी, नए स्टेज में कोरोना पहुंचा। नेपाल में फंसे विदेशी पर्यटकों की मुसीबत बढ़ी। 15 अप्रैल तक सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल। लॉकडाउन के बीच बिहार के वैशाली में एक युवक का अपहरण कर शादी। पिता ने बदसलूकी के आरोप लगाए। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में जंगल से गांव में घुसे हाथी, पूरे इलाके में अड़कम। 10 सरकारी बैंकों का 1 अप्रैल से 4 बैंकों में विलय होगा, रिजर्व बैंक ने ऐलान किया। सरकारी बैंकों के प्रमुखों से मिली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। बैंकों ने लॉकडाउन के दौरान बैंक खुले रहने का भरोसा दिया। वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर जॉन ब्रावो ने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए गाना गाया। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की और घर रहने को कहा। नर्सिंग छोड़ एक्ट्रेस बनी शिखा मल्होत्रा। कोरोना के समय दोबारा नर्सिंग ज्वाइन करने पहुंची। मुंबई के कोरोना हॉस्पिटल में वॉलंटरी सेवा में जुटी है।